हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू मैथ क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के कम्प्लीट एग्जांपल्स और कुछ बेसिक कंप्लीट कर चुके थे, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। देखो, फर्स्ट हमें गिवन है, ए गिवन है 1 to 14, तो एक रिलेशन डिफाइन है ए टू ए बाय दिस रिलेशन। एक रिलेशन डिफाइन है 3x - y = 0, तो हमें फाइंड आउट करनी है डोमेन को, डोमेन और रेंज। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे कि क्या डोमेन को, डोमेन और रेंज क्या है, क्योंकि अगर पहले वो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि तभी ये समझ आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, ए क्या गिवन है 3x - y = 0, तो हमारे पास क्या होगा अगर 3x - y = 0 है, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं 3x = y, कि 3xy के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x = y, वेयर एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए कहां तक है 1 to 14, तो 14 एलिमेंट तक जा सकता है। तो देखो, वाई की जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, क्योंकि 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6, तो वाई की वैल्यू 6 के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, तो 6, जब एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 5 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 ए में बिलोंग नहीं करता, और जो रिलेशन ए है वो ए टू ए है। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस जो हमारा रिलेशन गिवन है आर, वो इस फॉर्म का होगा 1 to 1 3 2 6 3 9 4 4 12। तो हमें फाइंड आउट करना है इसकी डोमेन को, डोमेन और रेंज। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में किया था जो फर्स्ट प्लेसेस पे है वो क्या होगी इसकी डोमेन, और जो ये है सेकंड प्लेसेस पे वो होगी इसकी रेंज। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दिस इज द डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी जो सेकंड प्लेसेस पे है 3 6 9 12। ठीक है, और हमें साथ में पूछा कोडोमेन, कोडोमेन क्या थी। देखो, जैसे हमारे पास ए टू बी था, ए यहाँ पे था बी यहाँ पे, तो जो पूरा बी के जितने भी एलिमेंट थे वो पूरे कोडोमेन थे। तो यहाँ पे हमारे पास सेट है ए टू ए, अगर ए से ए तक है तो जितने भी एलिमेंट ए में है वो सारे कोडोमेन में चले जाएंगे, तो इसकी कोडोमेन क्या बन जाएगी 1 to 14, जो पूरा गिवन ए सेट है। ठीक है, तो यहाँ से डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ऐसे जो भी हमें गिवन होगा उसको पहले आर फॉर्म में लिख लेंगे, इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के उसको फिर इसकी ये फॉर्म बना देंगे। ठीक है, देखो सेकंड, फर्स्ट ये था, सेकंड हमें गिवन है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द नेचुरल नंबर, और क्या गिवन है कि जो वाई है वो किसके इक्वल है x + 5 के इक्वल, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x की वैल्यू 4 से लेस रखनी है, और ये रिलेशन को डिफाइन किया हुआ y = x + 5। ठीक है, और x की वैल्यू 4 से लेस है, तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम 1 2 3। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो फर्स्ट क्या बनेगा 1 6, दूसरा रखेंगे जब 2 रखेंगे तो 7, तो 2 7, 3 रखेंगे तो 3 8, तो दिस इज r। ठीक है, मेन हमें फाइंड आउट करना होता है r, क्योंकि r निकालने के बाद तो हम उसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है डिफाइन रिलेशनशिप क्रॉस टू एंड राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, तो हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3, तो 1 2 3 इसकी डोमेन हो जाएगी, और इसकी रेंज क्या है जो सेकंड प्लेसेस पे 6 7 8। ठीक है, और साथ में हमसे इसे पूछा गया था कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है, जो गिवन सेट है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म जो ये लिखी है 1 6 2 7 3 8, तो दिस इज रोस्टर फॉर्म, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही करना, हमें उसके ऊपर रिलेशन डिफाइन करना, रिलेशन आ जाएगा तो फिर हमें उसकी डोमेन और कोडोमेन फाइंड आउट करनी है। देखो, थर्ड क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 5, बी क्या है 4 6 9, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, और जो r है वो डिफरेंस है बिटवीन x और y इज ओड, यानी कि दो ऐसे नंबर लेने हैं इसके रिलेशन में जिनका डिफरेंस ओड आए। अब देखो, 1 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो 3 आ जाएगा, दिस इज ओड नंबर 3 ओड, तो 1 और 4 उस r में चले जाएंगे। सिमिलरली 1 और 6 का निकाल लेंगे तो 5 आएगा, वो भी चला जाएगा। 1 और 9 का 8 आएगा, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि वो इवन नंबर है। तो हमें कौन सी लेनी है जो ओड नंबर का डिफरेंस दे, तो 1 4 1 6। सेकंड हम 2 के साथ करेंगे तो 2 के साथ 9 आएगा ओनली, क्योंकि बाकी के साथ इवन नंबर देगा, तो क्या बन जाएगा 2 9। फिर आएगा 3 4, 3 और 4 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। सिमिलरली आ जाएगा 3 6, और फिर 5 4 5 6।
तो हमें सिर्फ इसके रिलेशन के रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 141629345456। ठीक है, सिर्फ इसे रोस्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना था। अब हमारे पास नेक्स्ट है, देखो फोर्थ में एक रिलेशन गिवन है हमें फिगर, सो ये रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, पी और क्यू के दो फॉर्म गिवन है हमें, ये फॉर्म गिवन है, रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म, एक तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म पॉइंट आउट करनी है इसकी, एक रोस्टर फॉर्म और एक डोमेन और रेंज। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी, जो लैंग्वेज में थी। अब देखो 5 3 के साथ रिलेट है, 6 4 के साथ रिलेट है, 7 5 के साथ रिलेट। तो यहां से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि जो ये है क्यू वो इससे दो लेस है, क्योंकि देखो 5 3 से है, 6 4 से है, तो जो एक्स होगा ये वाई, तो वाई किसके इक्वल होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, जो y है वो किसके इक्वल है, x माइनस 2 के। तो इसका r रिलेशन क्या बचा, x और y, तो वे है y इज इक्वल टू x माइनस 2, और x तो बिलोंग करता है p से, और जो y है वो q से। ठीक है, तो इसके फॉर्म क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। और यहां से हमें इसकी फॉर्म फाइंड आउट करनी है, डोमेन और रेंज। देखो अब इसको ये तो सेट बिल्डर फॉर्म थी, इसको आर के फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या बचेगा, 5 3 से मैप है, 6 4 से, 7 5 से। तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट प्लेसेस पे इसकी डोमेन हो जाएगी 5 6 7, और सेकंड प्लेसेस पे 3 4 5 इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ है, क्योंकि बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कहाँ पे हमें डोमेन लिखनी है, कहाँ पे रेंज, और कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ आर लिखना आना चाहिए। अगर आर आ गया तो उसके बाद तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिफ्थ में क्या है, ए गिवन है, आर पे द रिलेशन, आर पे कौन सा रिलेशन है, ए और बी कब जाएंगे, जब ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली, जो बी है लास्ट वाला है, अगर वो ए से डिविजिबल हो फर्स्ट वाले एलिमेंट से। अब देखो 1 1 से, 1 तो हर किसी को डिवाइड कर देगा, तो 1 के साथ तो सारे आ जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6। ठीक है, अब देखो सेकंड के साथ 2 4 को डिविजिट, 2 4 को डिवाइड करेगा 2 6 को, तो क्या जाएगा 2 4 2 2 2 4 2 6। सिमिलरली 3 के साथ 6 आ जाएगा, ठीक है, और 6 के साथ 6 खुद तो खुद के साथ आएगा, 4 भी 3 भी 6 भी, तो आर क्या बन जाएगा, 1 1 1 2, तो क्या बना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 4 4 4 6 6। ठीक है, अब हमें इसकी डोमेन बतानी है, तो डोमेन में क्या है, 1 2, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नहीं लिखना, तो 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 4 6 के डोमेन में आ जाएंगे फर्स्ट प्लेसेस पे, और जो सेकंड प्लेसेस पे वो रेंज में आ जाएगा, तो 1 2 3 4 6, तो इसकी डोमेन और रेंज सेम आ जाएगी। ठीक है, ये तो इजी था। देखो नेक्स्ट हमें 6 गिवन है, डिफाइन, हमें एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है कि x इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि जो y होगा वो x प्लस 5 है, तो 0 लेंगे तो क्या जाएगा, 5। ठीक है, x जब 0 लेंगे, क्योंकि x 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो देखो क्या क्या रिलेशन है, तो क्या पहले 0 के साथ 5 आ जाएगा, 1 के साथ 6, 2 के साथ 7, 3 के साथ 8, 4 के साथ 9 और 5 के साथ 10, क्योंकि हमें x लेना 0 टू 5, कि जो x की वैल्यू है 0 टू 5 आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 5 1 6 2 7 3 8 4 4 9 4 10। तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट प्लेसेस पे है, तो 0 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, और रेंज क्या होगी, जो सेकंड प्लेसेस पे 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो जो सेवंथ है उसमें हमें एक रिलेशन है, रिलेशन गिवन है कि जो x है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, कि x तो प्राइम नंबर है लेस देन 10, और प्राइम नंबर है तो x को हम क्या क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू क्या आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5 और 7, लेस देन 10 यही तक आएगा। और जो x है वो x के साथ कब रिलेट है, जब वो उसका क्यूब दे, तो 2 के साथ क्या आएगा, 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 के साथ 27, 5 के साथ 125, और 7 के साथ 343। ठीक है, 343। तो यहाँ पे हमें r लिखना था, जो रोस्टर फॉर्म में था, जिसके अंदर ये रिलेशन हो, और x की वैल्यू 2357 हमें लेनी थी, तो यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 8th। 8th पे हमसे क्या पूछा गया है, लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इज इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन a टू b। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला हमने कब किया, कल किया था, अगर a टू b तक हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ रिलेशन, और m, a में m एलिमेंट है, b में n, तो उसके नंबर ऑफ रिलेशन कितना, 2 की पावर mn।
तो यहाँ पे देखो ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 2 है, तो टोटल 6 बनेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेंगे, 2 की पावर 6। ठीक है, ए क्रॉस बी आप लिख लेना, अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या बना, 2 की पावर 6। तो यहाँ से नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, 2 की पावर 6 है। ठीक है, और ये लिख के भी दिखा देती हूँ मैं। देखो ए के अंदर क्या है, एक्स वाई जेड, बी के अंदर है 1 2, तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट ए के एलिमेंट फिर बी के, तो एक्स के साथ 1 आ जाएगा, एक्स के साथ 2 आ जाएगा, एक्स के साथ 3 आ जाएगा, वाई के साथ 1 आ जाएगा, वाई के साथ 2 आ जाएगा, और वाई के साथ 3 आ जाएगा। ठीक है, जेड के साथ, सॉरी 3 तो है ही नहीं, 2 ही एलिमेंट है, जेड के साथ 1 आ जाएगा और जेड के साथ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 6 एलिमेंट है, तो उसके सब नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेंगे, 2 की पावर 6, या फिर 2 की पावर m into n, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो 3 into 2 6, तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 6। ठीक है, लास्ट हमें गिवन है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय दिस। देखो क्या गिवन है, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। क्या नंबर है, ए बी, वो वाले ए बी लेने हैं सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, और जो ए माइनस बी है वो भी एक इंटीजर आई। ठीक है, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बतानी है हमें क्या होगी। अब देखो ए क्या है, डोमेन का एलिमेंट है, बी क्या है, रेंज का एलिमेंट है, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर, और जिस जिसका डिफरेंस इंटीजर आए, दो नंबर इंटीजर, जिनका डिफरेंस इंटीजर आएगा वो इस सेट में चले जाएंगे। अब देखो कोई भी दो नंबर अगर इंटीजर से उठाएंगे, तो इंटीजर का डिफरेंस हमें पता, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर नंबर, अगर डिफरेंस लेंगे दो इंटीजर नंबर का तो वो भी इंटीजर होगा, तो सभी के लिए होल्ड करेगा, तो दैट मीन्स ए के लिए पूरा क्या जाएगा, पूरा जेड ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंटीजर नंबर ले, और बी के लिए भी इंटीजर नंबर ले सकते, तो ए के पास चॉइसिस कितनी है, पूरी इंटीजर की, बी के साथ भी पूरी इंटीजर की, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, फुल इंटीजर नंबर, तो क्या लिखेंगे, इंटीजर। ठीक है, और इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंटीजर जेड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हुआ कि अगर ए माइनस बी, कौन से रिलेशन जा रहे हैं, ए माइनस बी किसके अंदर, अगर दोनों का डिफरेंस इंटीजर आ जाए, और हमें पता है कि दो इंटीजर नंबर हो तो उनका डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आता है, तो ए पे भी चॉइसेस इंटीजर है, बी पे भी, तो बी ए के लिए भी इंटीजर होगा पूरा, बी के लिए भी इंटीजर, तो इसकी डोमेन भी इंटीजर हो जाएगी और रेंज भी इंटीजर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी थी, कुछ ज्यादा समझने का भी इसमें नहीं था। और देखो यहाँ पे रिलेशन पे हम रिलेशन हमने किया है, अब इसके बेस पे हम फंक्शन करेंगे, तब तक तो अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज चैप्टर प्लस टू में भी है, तो यहाँ अच्छे से समझोगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ का। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।